हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं दही वाले मसालेदार भिंडी की रेसिपी। डिनर या लंच में कुछ अलग खाने का मन करे तो ये दही वाले मसालेदार भिंडी को बना के सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दही भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम भिंडी ले लिए हैं। भिंडी को हम अच्छे से धो के सुखा लिए थे और उसको बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं। ये देखिए, हम आप लोग को एक काट के दिखाते हैं। पहले साइड वाला जो पार्ट है उस तरह से काट के हटा लिए थे और एक भिंडी को हम बीच में काट के दो टुकड़ा कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक मीडियम साइज के आलू ले लिए। आलू को भी हम अच्छे से धो के छील के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। आपको आलू खाना पसंद है तो आलू डाल सकते हो, वरना इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम दही का मसाला बना लेते हैं। तो एक बॉल में हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच खट्टा दही ले लिए। अगर आपके दही में थोड़ा सा खटास कम है तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच की जगह 4 बड़े चम्मच डाल सकते हो। अब हम मसाला के लिए यहाँ पर डाले हैं 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच तीखे लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। इन सारे मसाले के साथ हम अच्छे से दही को मिला लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा दही भिंडी मसाले के लिए दही का मसाला बनके तैयार है। गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए कटे हुए भिंडी को हम तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भिंडी को हमको तब तक फ्राई करना है जब तक भिंडी जो है हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। तो भिंडी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। मीडियम फ्लेम में चलाते हुए भिंडी को हम 2 मिनट तक भून लिए थे। अब हम एक प्लेट में फ्राई की हुई भिंडी को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे भिंडी को एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इसी तरह से हम कटे हुए आलू को भी तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाए तड़का के लिए इसमें हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा, 3 हरी मिर्च को हमने बीच में चीरा लगा ली है उसको भी डाल देंगे। जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से भून लिए है। अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच ग्रेट किए हुए लहसुन डाल देंगे। लहसुन को भी हम चलाते हुए 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, लहसुन को हमने भून लिए हैं। अब हम इसमें दही वाले मसाले डालेंगे। जब भी आप दही वाले मसाले डालें गैस को ऑफ करके प्याज को हल्का ठंडा कर ले तभी डालें। ऐसे करने से दही का फटने का चांस ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, हमने गैस को ऑफ कर दिया है, प्याज हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें दही वाले मसाले को डाल देंगे। तो इसमें से हम 1/2 दही को डाल रहे हैं और 1/2 में थोड़ा पानी मिला के डालेंगे। तो थोड़ा सा हमने पानी के साथ मसाले को मिला के डाल दिए हैं। अब हम मसाले के साथ अच्छे से प्याज को इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। ऐसे करने से दही फटता नहीं है। यहाँ पर हमने गैस को ऑन करके फ्लेम को लो में रखे हैं। तो देख सकते हो दही हमारा फटा नहीं है, दही से कितना सुंदर एक कलर आया है। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमने 2 मिनट के लिए भून लिए हैं। भिंडी के लिए दही मसाला हमारा बनके तैयार है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 छोटा सा गिलास में 1 गिलास पानी डालेंगे और अच्छे से हम पानी को मसाले के साथ मिला लेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए, ग्रेवी में हमारा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को भी हम अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला के अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू को डाल देंगे और आलू को हम मीडियम टू लो फ्लेम में ढक के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। भिंडी हम बाद में डालेंगे, आलू थोड़ा सख्त होता है इसीलिए इसको हम पहले 5 मिनट के लिए पका लेंगे, इसके बाद भिंडी को डालेंगे। आलू को हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिए हैं। आलू हमारा पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें फ्राई किए हुए भिंडी को डाल देंगे और अच्छे से ग्रेवी और आलू के साथ मिला के
भिंडी को भी ढक के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। भिंडी को लगभग 3 मिनट के लिए पका लिए हैं। आलू भिंडी अच्छे से पक चुका है, अब हम इसको 1 मिनट के लिए चला लेंगे। तो ये लीजिए दही वाले मसाले भिंडी हमारा बनके तैयार है। तो देख सकते हो आलू पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म दही वाले मसाले भिंडी बनके तैयार है। इसे आप रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा प्लीज हमको कमेंट पे बताइएगा। वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बाय बाय।